लोगों को कमीशन दिया और उस कमीशन के साथ ही खुशियां भी अपन ने मनाई। और मुझे पता है आप लोग बड़े खुश होंगे और खुशी के साथ अपना पल बिता रहे होंगे। और साथियों, आज सुबह, आज कल नाइट में ही मतलब, हमारा एक न्यूज़लेटर और आ गया है और बहुत लंबा चौड़ा न्यूज़लेटर है। उसको पढ़ा नहीं है लेकिन डाला हुआ है मंच पर मैंने। साथियों, वो न्यूज़लेटर भी आपके लिए क्या क्या लेके आया है वो भी आज चर्चा होनी है। जब सर कहेंगे उस सब सब चर्चा करेंगे साथियों। और आप लोगों का जो एक हर तरह से आगे आकर के पर डे इस बगिया को आप लोग सजाते हो, वो जो सजावट है यही हमारी खुशबू महकाता है साथियों। और इस खुशबू से ही हम लोग, जितना आप इस सजावट को महकाते हैं उतना ही हमें चलने में आनंद आता है। मतलब आपका जो एनर्जी है, आप जो हमें देते हैं, आप जो पेट्रोल या एनर्जी या ऊर्जा देते हैं, उसी एनर्जी से हम और डबल एनर्जी को एनर्जेटिक होकर के आपके सामने आते हैं साथियों। क्योंकि आपका प्यार जो मिला है, जो एनर्जी आप लोगों की है, वो हकीकत में इतनी हाई लेवल की है कि हम रुक नहीं पाते। और आप लोगों की एनर्जी से हमारा दिन भर का टंकी फुल हो जाता है और चलते रहते हैं और शाम तक भी नहीं बीतता, रात तक भी नहीं बीतता साथियों। साथियों, इसी आपका प्रेम इसी तरह बनाए रखें और बड़ी खुशियों का दिन आप लोग बिताते चलें, क्योंकि आने वाला वक्त हमारा होगा, हमने कहा 2022 में बहुत कुछ होने जा रहा है। तो साथियों, धीरे 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 पग 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 चलते चलेंगे और हम हर चीज़ को अचीव करते चलेंगे। तो साथियों, ये सब चीज़ें हमारे पास धीरे धीरे चलकर आ रही हैं और समय तो लगता है। प्रोजेक्ट यदि कोई भी बनाया जाए तो उसको समय लगता है। और ये समय कब निकल जाता है, लोग कहते रहेंगे, कहने वाले कहेंगे, कहने वालों पे नहीं जाते हम, लेकिन लोग जाने वाले जाने कहाँ कहाँ जाएंगे उस पर भी नहीं जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा आप लोगों को कि जालाइफ जालाइफ और जालाइफ जालाइफ जैसा ना था, ना है, ना रहेगा। वक्त लग सकता है लेकिन जालैफ एक ऐसा ब्लड के अंदर समा गया है कि उसके बिना ना रात को नींद आती है, ना उसके बिना सुबह की शुरुआत होती है साथियों। तो सुबह की शुरुआत की इस बेला में, इस जालैफ के प्लेटफॉर्म पर आपका जितना कहें उतना कम है कि आप लोग जो खुशियां हमें देते हैं वो खुशियां लेने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर जैसा कहेंगे, अच्छा तो उस हिसाब से इस न्यूज़ को भी क्लियर किया जाएगा। तो थैंक यू, ओवर टू यू सर, कंटिन्यू करें। मैं सर मिलता हूँ। सर मैं क्या वेलकम। बोलता हूँ, महेंद्र जी, न्यूज हाँ जी लेटर बोलिए। तो बहुत बड़ा है, तो हम न्यूज लेटर चालू करें क्या? थोड़ा टाइम से चालू करें, थोड़ा गाइडलाइंस थोड़ा कीजिए। थोड़ा टाइम थोड़ा टाइम लेंगे, लोगों को आने दीजिए, फिर इसकी चर्चा हाँ, करते थोड़ा हैं। भी लोग भी आएंगे। सब हाँ, सब लोगों को आने दीजिए, जब तक कंटिन्यू करें सर। ठीक है सर, कंटिन्यू सर। हाँ, कंटिन्यू मैं करूँ। चलिए, थैंक यू सर। आप कंटिन्यू करिए, देखते जाते। चलिए, ममता मैम भी आ चुकी है मैम, और सर और IGS बाबा साहब भी आए हुए हैं। तो साथियों, ये सब चीज़ें बराबर हमारे साथ चलती जा रही हैं और इसी के साथ आज हम इस सेशन का जो है आगाज के साथ चलेंगे। साथियों, बिल्कुल 7:20 हो चुकी है और ममता मैम हमारे बीच आ चुकी हैं। तो मैं इस समय में जो सुबह की बेला है, मैम को मैं बुलाना चाहता हूँ। सैयद सर बुला लें अपन, उसके बाद फिर आगे तक चलेंगे। नहीं, आप कंटिन्यू हैं? करिए, आप थोड़ा हाँ सर, कंटिन्यू करिए, मैडम थोड़ा काम से गई है, बच्चे को छोड़ने अच्छा, ठीक सर, ठीक, थैंक यू। तो तब तक साथियों अपन लोग चलते हैं। तो इस जगह पर साथियों बहुत अच्छी न्यूज़ें अपने साथ आ रही हैं और इन न्यूज़ों में अपन जो भी समाचार जो अपन को मिल रहे हैं, ये हकीकत भविष्य की हम बढ़ाने वाले हैं। और जैसे जैसे जानकारियां मिलती जाएगी, हमें बहुत कुछ यहाँ से जानना बाकी है। साथियों, एक चीज़ मैं आप लोगों को आज क्लियर करता हूँ, जो थोड़ा सा विशेष बातों में आप लोगों को आज शुमार कर लेना है, जो जिस समय सुने उस समय अपनी चीज को तैयार कर लें।
साथियों काफी लोगों ने पैकेज वगैरह खरीदे हैं, सब कुछ है और अभी भी चलेंगे और लेंगे, ऐसा नहीं नहीं लेंगे, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा आपको कि इस समय जो आपके वाउचर आईडी पर आए हुए हैं, ध्यान देना, आपके ही नजदीक वाले या जो लोग एक तरीके से आपको विश्वास नहीं करते या जो आपसे दगा करना चाहते हैं, उन लोगों ने क्या किया, जिन लोगों को आपने यूजर नेम पासवर्ड दिया उन्हीं लोगों ने जाकर के आपके वहां से वाउचर जो है वो निकाल करके दुनिया की केवाईसी कर दी। ऐसा केस भी हमारे सामने आया है साथियों। तो साथियों मैं आप लोगों से एक जरूर बात कहूंगा कि लीडरों द्वारा जो एक ही पासवर्ड से सबके पासवर्ड बनाए गए, तो आप कोशिश करें और सीख लें जल्दी से जल्दी कि आप लोगों को अपने अपने जालक स्टाइल के पासवर्ड बदल देने चाहिए जिस टाइम सुन रहे उसी टाइम से, क्योंकि लोगों ने हैकर्स तो अभी जाने कब आएंगे, लेकिन हमारे ही साथीगण हैकर्स बने हुए हैं। हैकर्स का तो हम थोड़ा सा हो सकता है अभी वॉलेट आएगा या वहां से होगा या हमारे जालेब में कोई और ज्यादा माल होगा तब होगा, लेकिन लोगों ने तो अभी से ही ना सीनियर देख रहे हैं ना जूनियर देख रहे हैं, जिसको जहां से पता लगा वहां से वाउचर उठा करके गायब करना चालू कर दिया साथियों। तो आप लोगों को बिल्कुल इंटीमेशन दी जा रही है कि अपने अपने जालेब का जो आईडी है पासवर्ड को बिल्कुल अपना अपना सेट कर लें, क्योंकि ये जो पासवर्ड है यदि आपका सेफ है, किसी के पास नहीं है, तो आपका बिल्कुल वाउचर बच जाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज है साथियों, क्योंकि लोग अपना भविष्य के हिसाब से वाउचर खरीदते हैं अपना यहाँ पर आकर के अपना शेयर लेंगे, क्रिप्टो लेंगे, अपना एक्टिवेशन करेंगे। चलो ये सब चीज़ें तो हो रही है, लेकिन वाउचर पड़े हुए हैं साल भर में। हम जो जो टीम बनाएंगे, हम हमारी केवाईसी करते हुए उन लोगों की और हमारे हमारी टीम को डेवलप करेंगे, ऐसा सोच करके लोग एडवांस लेके चल रहे हैं। तो लेकिन लोगों की सोच का तो अच्छा है, लेकिन जो वहां से जिन लोगों को पासवर्ड आप लोगों को पता है, उन लोगों का ध्येय कुछ अच्छा नहीं है साथियों। वो लोग वैसे ही चोट कर रहे हैं जैसे एक आपका साथी होता है कि वहां से उठाया वाउचर और किसी की भी केवाईसी करी और आपको पता भी नहीं लगा, और बाद में जब देखते हैं सर इसने पता नहीं कौन ने केवाईसी कर दी, हमारा वाउचर गायब हुआ, ऐसा शिकायत मेरे पास आई। साथियों मैं जरूर आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं इस बात के लिए कि आप लोग कोशिश कीजिए, जितने लोग जानते हैं अपना पासवर्ड चेंज कर लें, नहीं जानते हैं तो मंच पे आकर के आज नहीं आज दिन में बता देंगे, एक बार स्क्रीन शेयर करके क्लियर कर देंगे पूरा कि आपको पासवर्ड कैसे चेंज करना चाहिए। और जालेफ के अंदर जब पासवर्ड अपन चेंज कर लेंगे तो वो पासवर्ड यदि दूसरे को पता नहीं है तो आपकी आईडी नहीं खोल पाएंगे और आपके वाउचर से बच जाएंगे साथियों। साथियों ये काफी चीजें आप लोगों को जान लेना चाहिए और अपना कर भी लेना चाहिए, यदि आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो हकीकत इसका लॉस अपन को होने वाला है। तो ये सब चीजें अपन को करते हुए चलना है, और इसी के साथ मैं जरूर अपने बीच है एक बार आईजीएस बाबा साहब है, मैं उनको बुलवाना चाहूँ, सेठ सर इनको बुलवाते हैं थोड़ी देर, फिर अपन आगे की चर्चा करेंगे। सर आप अपनी चर्चा कीजिए, जब तक मैं प्रेम सागर जी है जब तक देखते किसको बुलाने का, आप थोड़ा आप अपनी वाणी कीजिए, जब तक देखते बुलाता हूँ। ओके सर, ओके सर, बिल्कुल ये सब चीजें अपन को करते हुए आगे बढ़ना है और उसी हिसाब से आज अपन को आगे चलना है, क्योंकि आज यदि हमारा जो पासवर्ड है वो सेफ है और सेफ रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें हमें नुकसान होने वाला नहीं है। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो झाका का पासवर्ड है, जीमेल के पासवर्ड है, इन सबको एक जगह आप लोग नोट कर लें, और जैसे जैसे लोगों के कमीशन आते जा रहे हैं वहाँ वॉलेट पर थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि जिस टाइम पेयर टू पेयर चालू होगा आप बिल्कुल अपनी निगाहें गड़ा के रखें और अपने पासवर्ड को किसी को ना दें। इसके अलावा जीमेल का पासवर्ड भी किसी को ना दें, और यदि कोई मैसेज आपके पास आता है ट्रांसफर करने के लिए या कोई बात है तो थोड़ा सा पहले जान लें क्या सही है गलत है, नहीं तो आपके वॉलेट में से वहां से भी, क्योंकि हैकर्स ने बहुत दिमाग लगाया हुआ है आप लोगों के ऊपर, ये ध्यान रखना, आप लोग हो सकता है ध्यान ना दें,
लेकिन हैकर्स बिल्कुल रेडी हैं कि जिस दिन आपका सब कुछ व्यवस्था चालू होगी उसी दिन से माल साफ होना चालू हो जाएगा।